सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टार स्पोर्ट्स एंड पी। सो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सबों के बीच में लेकर आ रहा हूँ टाटा मोटर्स टीम का फुल स्क्वाड। जी हाँ, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबों को बताया था कि टाटा स्टील और टाटा मोटर्स में किस प्रकार खिलाड़ी हैं, मैंने कंपेयर भी किया था। लेकिन दोस्तों, टाटा मोटर्स टीम की अगर बात करें उस समय वाले वीडियो का, तो उस समय में आप सबों को कुछ कुछ खिलाड़ियों का नाम में जिक्र किया, आप सबों को बताया। लेकिन जो ये जो वीडियो है दोस्तों, खासतौर पर टाटा मोटर्स फुल स्क्वाड टीम का, जी हाँ, चूँकि आज मैं बताऊँगा टाटा मोटर्स में कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं, वो जो 22 प्लेयर हैं, ये 22 प्लेयर कौन कौन हैं और किसका किसका नाम है, आज मैं डिटेल्स आप सबों को बताऊंगा। और साथ में दोस्तों, ये भी आप सबों को बताऊंगा कि इस टीम का कैप्टन कौन है। जी हाँ, पिछले साल की माने तो पिछले साल साधु मरांडी कैप्टन हुआ करते थे, लेकिन इस साल की बात करें, ये जो नया स्क्वाड तैयार हुआ है, इस स्क्वाड में कौन से खिलाड़ी हैं जो कैप्टनशिप करेंगे टाटा मोटर्स टीम में, तो चलिए आपको ये फुल डिटेल्स जानकारी मैं बताऊँगी इस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो के आगे तक बने रहे। चैनल पर अगर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह से स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर आप तक जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए फाइनली दोस्तों, टाटा मोटर्स टीम का स्क्वाड पूरी तरह से तैयार है। आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिरकार 22 खिलाड़ी का जो चयन हुआ है, वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं। लेकिन इससे पहले जो है, टाटा मोटर्स की टीम ये चीज़ वायरल नहीं की थी, रिवील नहीं की थी कि एक्चुअल में कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद है। तो चलिए, आज मैं बताऊँगा इस वीडियो में। साथ में दोस्तों, कैप्टन कौन करने वाले हैं टाटा मोटर्स टीम में, ये भी मैं बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों गोलकीपर के बारे में। दो गोलकीपर हैं, एक गोलकीपर की बात करें तो बुद्धेश्वर हंसदा, और एक गोलकीपर है विश्वनाथ। जी हाँ, वहीं अगर बात करें दोस्तों खिलाड़ियों का, तो यहाँ पे मौसो हेमरम नज़र आएंगे, किशन सरदार नज़र आएंगे, राजू सोरेन नज़र आएंगे, डोमन मुर्मू नज़र आएंगे, बिरसा टुडू नज़र आएंगे, लक्ष्मण सरदार, राजा माझी, दिनेश हेमरम, सुनील सोरेन, सूरज मार्डी, रंजीत मार्डी, साहिल हेमरम, सुरेश उर्फ छोटू, सुखलाल कंकल उर्फ बेटा, और साथ में प्रेम टुडू, चैतन हंसदा, चंदू किस्कू और चंद्र हंसदा, और साथ में सूरज सोरेन। तो इस प्रकार 22 खिलाड़ी का चयन हो चुका है। और बात करें दोस्तों सबसे बेहतरीन खिलाड़ी की अगर बात करें, तो यहाँ पे पूरे टीम का जिम्मेदारी जो सौंपा गया है साधु मरांडी को। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, टाटा मोटर्स टीम के कैप्टन साधु मरांडी होंगे, और इस टीम का पूरी तरह से मोर्चा संभालते हुए नज़र आएंगे साधु मरांडी एज ए टीम के कैप्टन। और निश्चित तौर पर इस प्रकार यहाँ पे खिलाड़ियों का समावेश है टाटा मोटर्स टीम स्क्वाड में। कहने के कुछ हद तक अगर देखा जाए, जो पिछले मैच में हमने देखा प्रैक्टिस सेशन में, जो प्रैक्टिस मैच की अगर बात करें टीएफए और टाटा मोटर्स के बीच जो हुआ, उसमें टाटा मोटर्स की टीम जीती है 3-1 से। तो कहने के दोस्तों, ये जो स्क्वाड तैयार है टीएफए के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं, टीएफए जैसी टीम मेरे ख्याल से गत साल की बात करें विजेता टीम है। लेकिन हाँ, एक चीज़ टीएफए में बदलाव है, और पिछले साल की बात करें, पिछले साल से इसकी बात करें, तो कुछ हद तक बदलाव हमें देखने को मिला है टीएफए में। लेकिन जो भी हो, टीएफए टीएफए होता है दोस्तों, और टीएफए को गोल दागने का यहाँ पे काम कर रही है टाटा मोटर्स की टीम। तो इस बात से साफ पता चल रहा है कि टाटा मोटर्स की टीम यहाँ पर पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा मोटर्स के सभी खिलाड़ी साथी एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करें, और जो हमारे टाटा मोटर्स के सभी फैंस हैं उसको एक एंटरटेन करें, और इस साल की विजेता आप ही बने, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि टाटा मोटर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टीम है जो कहने के अगर देखा जाए तो जीत का दामदा रखती है। और देखा जाए दोस्तों, इस साल कौन सी टीम विजय बनती है, आपके हिसाब से कौन सा टीम इस साल विजेता बन सकती है, कमेंट बॉक्स पर अपना राय ज़रूर दें। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आई होप कि अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।